हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब। सो काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों के बीच में और काफ़ी सारे रिलेटेड टर्म्स भी होते हैं। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो चलिए देखते हैं सम डिफरेंसेस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब। पहला डिफरेंस है, पाइप इज स्पेसिफाइड बाय नॉमिनल पाइप साइज एंड थिकनेस बाय शेड्यूल नंबर। यानी कि पाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम नॉमिनल पाइप साइज एज वेल एज शेड्यूल नंबर का यूज़ करते हैं। नॉमिनल पाइप साइज एंड शेड्यूल नंबर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्यूब को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं आउटसाइड डायमीटर का, और उसके एक्चुअल थिकनेस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वायर गेज का, यानी कि बर्मिंगम वायर गेज का। बर्मिंगम वायर गेज जो है पाइप के थिकनेस को एज वेल एज़ पाइप के आउटसाइड डायमीटर को मेजर करने के लिए एक टूल है। सो ये पहला डिफरेंस था। नेक्स्ट डिफरेंस है, पाइप का ओडी जो है ग्रेटर होता है पाइप के एनपीएस से अप टू 12 इंच। यानी कि 2 इंच का पाइप रहेगा तो उसका ओडी जो है 2.375 इंच रहेगा, यानी कि थोड़ा सा पाइप का ओडी एनपीएस से बड़ा होता है। एनपीएस जो है पाइप के आईडी और पाइप के ओडी के बीच में लाई करता है, इसलिए एनपीएस 12 इंच तक जो है हमेशा पाइप के ओडी से छोटा रहता है। और ट्यूब ओडी जो है ऑलवेज इक्वल होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइज के। यानी कि अगर मैं 2 इंच का ट्यूब बोल रहा हूँ तो उसका ओडी भी जो है 2 इंच ही रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंस है, पाइप जो है वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स में अवेलेबल होता है, जैसे कि कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील और ग्लास में भी अवेलेबल होता है। सो वेरियस मटेरियल्स में जो है पाइप अवेलेबल होता है। और ट्यूब्स जो है जनरली बने होते हैं कार्बन स्टील के, अलॉय स्टील के, स्टेनलेस स्टील के और निकल अलॉय के। यानी कि बहुत ही लिमिटेड मटेरियल्स में जो है ट्यूब्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, पाइप के जो साइज़ होते हैं वो वराइटी ऑफ रेंजेस में अवेलेबल होते हैं। यानी कि 1/18 इंच से पाइप स्टार्ट होता है और 80 इंच या फिर उसके अबाव भी जो है पाइप अवेलेबल होते हैं। और ट्यूब जो है अवेलेबल होते हैं यूजुअली स्मॉलर साइज़ में ही, अप टू 5 इंच, और कस्टम साइज़ में भी वो अवेलेबल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्यूबिंग रिक्वायरमेंट। इस डिफरेंस से हम ये देख सकते हैं कि पाइप्स जो है यूजुअली स्मॉल बोर एज वेल एज लार्ज बोर में अवेलेबल होते हैं, और ट्यूब जो है यूजुअली जो है स्मॉल बोर के लिए ही अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, पाइप को हम यूज़ करते हैं यूजुअली स्ट्रेट और यूटिलिटी लाइन में। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको फ्लूइड को फ्लो करने के लिए फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और ट्यूब्स को जो है हम जनरली यूज़ करते हैं हीट एक्सचेंजर्स में। हीट एक्सचेंजर्स में जो है एक शेल साइड होगा और एक ट्यूब साइड होगा, और ट्यूब साइड्स में जो है हम वेरियस नंबर ऑफ ट्यूब्स को इंसर्ट करेंगे और उस ट्यूब के अंदर जो है या तो स्टीम फ्लो होगा या तो वाटर फ्लो होगा, जो कि लिक्विड को या फिर अपने फ्लूइड को टेम्परेचर राइज करेगा या फिर उसको कूल करेगा। और इसको हम यूज़ करते हैं कॉइल्स में, और इसको हम यूज़ करेंगे कनेक्ट करने के लिए वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट डिफरेंस है, वेरिएशन इन थिकनेस कैन कॉज हॉट स्पॉट एंड कंसिक्वेंट फेलियर्स। यानी कि बहुत सारे थिकनेस वेरिएशन होने की वजह से पाइप में हॉट स्पॉट्स क्रिएट होंगे और पाइप फेलियर होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। और ट्यूब में जो है यूनिफॉर्म थिकनेस होगा, यानी कि यूनिफॉर्म थिकनेस मींस लेस चांस ऑफ ट्यूब फेलियर ड्यू टू हॉट स्पॉट। सो यूनिफॉर्म थिकनेस के वजह से चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे हॉट स्पॉट के, और उसके फेलियर के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट डिफरेंस है, पाइप एंड कनेक्शन कैन बी बीवेल्ड, प्लेन, स्पाइगॉट और थ्रेडेड। यानी कि वेरियस एंड कनेक्शंस में पाइप जो है अवेलेबल होते हैं, और ट्यूब के जो एंड कनेक्शंस होते हैं वो प्लेन होते हैं, थ्रेडेड होते हैं, या फिर इसको ग्रूविंग किया जाता है फास्ट कनेक्शन के लिए। ये एक एग्जांपल है ग्रूविंग का, और ये एक एग्जांपल है प्लेन एंड का, और यहाँ पे थ्रेडेड का एग्जांपल है, और ये बिवेल एंड्स है। सो नेक्स्ट डिफरेंस जो है लास्ट डिफरेंस है बिटवीन पाइप एंड ट्यूब। सो पाइप हैज़ हाई रफनेस फैक्टर एंड हाई प्रेशर ड्रॉप। सो हाई रफनेस फैक्टर की वजह से क्या होगा, हाई प्रेशर ड्रॉप क्रिएट होगा। वेरियस मटेरियल का वेरियस
रफनेस फैक्टर होता है, जैसे कि अगर हम कास्ट आयरन यूज़ कर रहे हैं तो उसका रफनेस फैक्टर ज़्यादा होता है, और अगर हम SS का पाइप यूज़ कर रहे हैं तो उसका रफनेस फैक्टर जो है और कम हो जाएगा, और वहीं पे ट्यूब जो है उसमें रफनेस फैक्टर जो है कम होता है, उसके वजह से जो है प्रेशर ड्रॉप के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे, और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक एज़ वेल एज़ इंस्टाग्राम पे।